बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हकीकत यही है कि इस्लाम जो है वो अम्र शांति और रहमत का मसल दया की हर एक पर जो दया जो है इस्लाम की। एक जानवर को भी आप मार नहीं सकते, एक जानवर जो आपके यहाँ पालतू है उसका आप मार नहीं सकते, सवारी के घोड़े को नहीं मार सकते आप। हुक्म यह है कि जब सवारी से उतरो तो खुद पहले खाना ना खाओ बल्कि अपनी सवारी के जो जानवर पहले उसको खाना खिलाओ, पहले उसको पानी पिलाओ फिर खुद पानी पिलाओ। ऐसे मजहब में आतंकवाद कहाँ से आ जाएगा? तो ये धोखा दिया जा रहा है कुछ लालची मौलवियों को खरीद के जो इस्लाम में दुश्मन है उनको इस पर आमादा किया जाता है कि वो बच्चों जवानों के प्रतिवाद करके उनको आतंकवादी बनाए और वो फिर आतंकवादी बन के सरई कार्रवाई करते हैं जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए खासतौर से भारतीय मीडिया की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस्लाम की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो तलाक का मामला हो चाहे वो आतंकवाद का। देखिए यही हम कहते हैं कि इतना बड़ा मुल्क है कहीं भी छोटा सा वाकया हो जाता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। अच्छा किसी और धर्म का कोई वाकया होता है ऐसा तो उसको छुपा जाते हैं, वो दबा जाते हैं। ऐसे ऐसे कितने तलाक के वाकयात होते रहते हैं जो लोग औरतें जलाई जाती हैं उसको भी बयान करते हैं। एक मुसलमान ने अगर तलाक दे दी तो उसको बार बार उछाला जा रहा है। तो 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की कहीं कहीं तो कोई वाकया हो जाता है, लेकिन ये जो और दूसरों में वाकयात होते हैं वो उसको छुपा जाते हैं दबा जाते हैं। तो पूरी पॉलिसी उनकी ये बनी हुई है, एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम पॉलिसी बनी, क्योंकि जितने भी 95% जो मीडिया है वो तो अमेरिका से स्पॉन्सर्ड है या इसराइल से स्पॉन्सर्ड, तो वो अपने जो आका होते हैं उनका जो हुक्म होता है उसी पर वो अमल करते हैं। इसके अलावा अगर बाबरी मस्जिद के मामले की बात करें तो जिस तरह से मौलाना सलमान रिजवी का पीछे बयान आया था, उसके अलावा वसीम रिजवी की अगर बात करते हैं तो उनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मामले दर्ज करने की कोशिश की जा रही है लेकिन मामला दर्ज नहीं हो रहा। यही है, वो किसी के खिलाफ FIR करता है तो फौरन लिख ली जाती है, उसके खिलाफ FIR आज तक नहीं लिखी। मैंने खुद दिल्ली में उसके खिलाफ FIR लिखाने की कोशिश की यहाँ के थाने में और नहीं लिखी। तो इसका मतलब है कि वही RSS वाले उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। यही मैं RSS वालों को पूछना चाहता हूँ कि वो अब तक बहुत ही पाक और साफ जाहिर करते हैं और कहते हैं करप्शन की और चोरी के खिलाफ सब, तो एक चोर की वो सरपरस्ती कर रहे हैं जो खुला हुआ चोर है, खुला हुआ जो करप्ट आदमी है और जिस पर CBI इंक्वायरी होना चाहिए, CBCID इंक्वायरी में उसको चोर डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। उससे मतलब क्या जाहिर है कि हम उससे पूछना चाहते हैं कि आप क्या हिंदुओं के वोट डलवा देगा? नहीं डलवा देगा। वो मुसलमानों के वोट कटवा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है गवर्नमेंट को, नुकसान फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, लेकिन अब पूरी पता नहीं क्या समझ में आ रहा है जो उसको वोट करना उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये उससे उसको नुकसान पहुंच रहा है। समाजवादी सरकार ने भी उसकी पुष्पनाई की, चाहे आदम शाह की बात करें, इस सरकार में वो कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरह के केसेस आप मानकर चलते हैं कि खुद उसके ऊपर होने चाहिए? अब जिस तरह से बयान दिया है कि जो हिंदुस्तान की जो 7 मस्जिद हैं उनके हवाले कर दिया जाए, वहाँ पर मंदिर बंदे इस तरह के बयान देकर वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है उसको, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा करप्शन किया है, बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ की हैं। आज़म खान के ज़माने में उससे बहुत बेईमानियाँ की हैं, कितनी ज़मीनें हड़प करके उसने रामपुर में और शामिल कर दी उसमें जौहर यूनिवर्सिटी में, शिया वक्त की ज़मीन भी शामिल है उसमें, सुन्नी वक्त की ज़मीन भी शामिल है उसमें, दलितों की भी शामिल है। तो वो अपने को भी बचा रहा है, आज़म खान को भी बचा रहा है और RSS जो उसको बचा रही है तो इसका मतलब आज़म खान को भी बचा रही है। तो बाबरी मस्जिद केस में उसका ये कहना है कि मैं शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के तौर पर उसमें अपना केस दर्ज करना चाहता हूँ, उसने एक एप्लीकेशन वहाँ पर लगाई है, लेकिन आप कितना उसको मिल्कियत मानते हैं कि वो शियाओं की? देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर चलिए साबित भी हो जाए कि शिया मस्जिद थी तो क्या वक्फ बोर्ड को ये राइट है कि मस्जिद तुम दे दे किसी दूसरे को? राइट नहीं है। आप एक्ट पढ़ लीजिए कि ना वक्फ ट्रांसफ़र हो सकता है, ना बिक सकता है, ना किसी को दिया जा सकता है, जो आज वक्फ है वो क़यामत तक वक्फ रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यही एक्ट का भी है। तो कैसे कह रहा है कि मैं दे दूँगा? धोखा दे रहा है वो। अब जब शिया मस्जिद डिक्लेयर हो जाएगी तो ये धोखा होगा, ये पूरे हिंदू पाँच को धोखा दे रहा है। जब मस्जिद डिक्लेयर हो जाएगी तो खुद हाथ खींच लेगा, भाई मस्जिद वो है, हम उसको दे नहीं सकते।